So, let's start with the living world. So, when we talk about the living world, planet Earth is made up of the abiotic and द बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, द बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑब्वियसली द लिविंग बींग्स. जब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं तो उसमें कौन आते हैं? लिविंग बींग आते हैं. और जब हम अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग बींग. तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है गाइस? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में क्या आता है? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दोनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट? और जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉपर इकोसिस्टम में बैलेंस फॉर्म में एनर्जी फ्लो होता रहता है और एक सिस्टम चलता है. अब ये स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ को देखना पड़ेगा. हमको पता है कि जो लिविंग बींग एक बार प्रोड्यूस हो जाता है, राइट, तो उसका मेन काम क्या है? कुछ भी करके सर्वाइवल. उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? इट नीड्स द एनर्जी एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स, राइट? और उस केमिकल मॉलिक्यूल्स को, राइट, परफॉर्म करने के लिए, मतलब केमिकल मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, राइट? ये क्या काम करते हैं? मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं. दे टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म. वेन यू टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म में आपके दो चीजें इंक्लूड होती है गाइस. वेन यू टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म, उसमें दो चीजें इंक्लूड होती है. एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? नाम से मालूम पड़ता है, कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, राइट? ऐसे आप याद रख सकते हो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे, राइट? और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? उल्टा. जब छोटा मॉलिक्यूल क्या होता है? जुड़ता है तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है. तो इसमें निमोनिक आप क्या याद रख सकते हो? कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? काटना. बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटा मॉलिक्यूल बनता है. और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनता है. आप ऐसे याद रख सकते हो, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, ठीक है? स्मॉल मॉलिक्यूल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ. तो बेसिकली हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जितना बॉडी को ग्लूकोज चाहिए उतना बॉडी क्या करता है? यूज कर लेता है. और जितना बॉडी को ग्लूकोज नहीं चाहिए उतना बॉडी क्या करता है? उस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है? स्टोर करता है. ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है? लीवर में वो स्टोर कर देता है. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो छोटे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे क्या क्या जोड़ के हमने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, राइट? और जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब यही ग्लाइकोजन क्या होता है? यही ग्लाइकोजन टूटता है इंटू स्मॉल स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो ये हो गया एनाबॉलिज्म. सो बेसिकली जब मैं मेटाबॉलिज्म बोलता हूं तो इसके अंदर क्या होता है? इट इंक्लूड्स कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म. दोनों को हम एक साथ बोलते हैं. तो कभी भी बॉडी, हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों चीजें होती रहती है. तो इन शॉर्ट मेरे बॉडी को मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों चीजें आ गई. बर्थ के हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं, राइट, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? एक ग्रोथ और डेवलपमेंट की टेंडेंसी होती है. जब मैं ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ तो ग्रोथ क्या है? इट्स अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस, राइट? ग्रोथ कैसा है? एक अच्छा एक प्रोसेस है. ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब क्या? एक वेल मैनर्ड प्रोसेस है, राइट? बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ग्रोथ होता है, राइट, जो ग्रोथ होता है वो लिविंग में ही होता है. नॉन लिविंग में भी होता है ग्रोथ, राइट? लिविंग में आप क्या बोल सकते हो? लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो इंट्रेंसिक ग्रोथ होता है. इंट्रेंसिक ग्रोथ मतलब क्या? कि आपके जो सेल्स है, राइट, उसके वो ग्रो होते हैं, तब आपकी बॉडी ग्रो होती है, राइट? कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपके ऊपर से थोपा जाता नहीं है. मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉइल है, राइट, उस सॉइल में क्या किया गया है? उस सॉइल के ऊपर और एक लेयर भरते गए हम लोग, सॉइल के ऊपर लेयर भरते गए, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है? एक माउंटेन क्रिएट हो जाता है. तो ये क्या हो गया? ऑब्वियसली ये क्या हो गया? ये ग्रोथ हो गया. ये ग्रोथ हुआ है ना, तो नॉन लिविंग भी क्या करते? ग्रोथ करते. तो सॉइल डाल डाल के हमने क्या किया? माउंटेन बना दिया. तो वो भी क्या हो गया? ग्रोथ हो गया. बट एक नॉन लिविंग के ग्रोथ में और एक लिविंग के ग्रोथ में फर्क क्या है? कि हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ कैसा होता है? इट इज इंट्रेंसिक ग्रोथ. हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? इट इज इंट्रेंसिक ग्रोथ. जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है दैट इज एक्सट्रेंसिक ग्रोथ. तो यहां पे हम लोग बात करेंगे ये ग्रोथ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड. तो हर लिविंग में क्या होता है? एक प्रोसेस है. ऑर्केस्ट्रा में किस तरह से क्या होता है? हर एक सुर लय पूरा एक फॉर्म में चलता है. उसी हिसाब से हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो एक डिजाइन फॉर्म में चलता है, एक प्रॉपर वे में चलता है. उसको हम बोलते हैं वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल मैनर्ड प्रोसेस, वेल ऑर्डर्ड प्रोसेस. तो व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों क्या होते हैं? आर नॉट प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन. सीधी बात है ना, हम ऐसा तो बोलते हैं हम लाइफ टाइम ग्रो होते रहेंगे, नहीं बोलते. इसका अपना क्या एक टाइम स्पैन है. सर्टन पॉइंट पे आप आओगे तो सर्टन पॉइंट में क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑर्गन सिस्टम दे बिगेन टू लूज देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड दे बिकम ओल्ड, राइट? इसको हम बोलते हैं एजिंग प्रोसेस. इसको हम क्या बोलते हैं? एजिंग प्रोसेस बोलते हैं ऑफ द बॉडी. लाइफ हैज टू कंटिन्यू
एंड हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन इटसेल्फ. तो दैट्स अ रीजन जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑलवेज रिप्रोड्यूस, बिकॉज अगर उन लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे राइट तो एक सर्वाइवल का जो रेट रहेगा, मतलब जो स्पीशीज होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर रिप्रोड्यूस नहीं होगा. तो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी मस्ट. तो अभी रिप्रोडक्शन हमको पता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इट अकर्स बाय असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मींस राइट, एंड दिस इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द रेस, कि रेस क्या है चलते रहने चाहिए राइट. बट हम म्यूल्स को भी, जैसे म्यूल्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो लिविंग बींग है, जब आप लिविंग बींग की बात करते हो राइट, तो लिविंग बींग में ऐसे कौन से फीचर्स है राइट जो नॉन लिविंग से उसको अलग बनाते. तो मैं ग्रोथ में नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज ग्रोथ लिविंग में भी हुआ नॉन लिविंग में भी हो गया राइट. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं रिप्रोडक्शन को भी नहीं बोल सकता हूँ, मैं रिप्रोडक्शन को भी सिर्फ लिविंग में हो सकता है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ. वाई, बिकॉज म्यूल्स है राइट. म्यूल्स आप देख सकते हो, डोंकी और हॉर्स राइट, इनका हाइब्रिड है. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है. स्टराइल वर्कर बीस, ये लोग भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट देन टू दे आर लिविंग. तो रिप्रोडक्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट येट इट कैनॉट बी सेड एज अ डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है. तो ऐसा कौन सा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है? तो एक होता है आपका मेटाबॉलिज्म, आप मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो. देन आप एजिंग बोल सकते हो राइट. फिर आप डेथ बोल सकते हो जो लिविंग में ही होता है राइट. आप बोल सकते हो सेलुलर रेस्पिरेशन, हम रेस्पायर करते एंड नॉन लिविंग डोंट. तो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि डिस्टिंग्विशेबल फीचर क्या है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ऐसे फीचर्स भी आ सकते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है. बट येट इसमें हमको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रोथ कैसा है. ग्रोथ लिविंग में इंट्रेंसिक है, जबकि नॉन लिविंग में इट इज एक्सट्रेंसिक. सो एज द बॉडी लूज इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म, द ऑर्गेनिज्म डाइज. क्लियर है? कोई भी लिविंग बींग वो रेस्पॉन्ड कैसे करता है टू थर्मल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंज को इन द सराउंडिंग. दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस. सीधी बात है, हम क्या करते, हम अपने सराउंडिंग और अपने सिचुएशन पे क्या करते, हम डील करते. कैसे डील करते, जिस तरह से हमको स्टिमुलस मिलता है हम उस तरह से क्या करते, रेस्पॉन्ड करते हैं. सो ये हो गया. देन तो और एक चीज क्या होता है कि आप बात कर सकते हो यहाँ पे कि एक बहुत डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके वजह से क्या होता है कि एक इकोसिस्टम एक प्रॉपर चैनलाइज्ड रहता है और एक प्रॉपर फ्लो में चलता है. सिंस द टाइम इमोरियल मतलब क्या, सदियों से हमको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में एक साथ रहते हैं, और इन सब का इंटरलेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरलेशन समझने के लिए हमने ग्रुप्स बनाते हैं, हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं राइट, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है. अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो हम लोग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी उसका बोलते हैं ना एक प्रॉपर वे में हम नहीं कर पाएंगे, हम उसको एक रिस्पेक्टफुल वे में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. तो ये जो डाटा भी रहेगा, डाटा क्या रहेगा, वो प्रॉपर फॉर्म में अवेलेबल रहता है, बिकॉज हम क्लासिफाई करके पढ़ते हैं कि एनिमल अलग है, प्लांट अलग है, फंगस अलग है, बैक्टीरिया अलग है, वायरस अलग है राइट. और ये डाटा से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गए, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायो इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बराबर, इंटेंस लेबोरेटरी हो गया, फील्ड स्टडीज हो गया, इन सब के अंदर हमको ये डेटा हमारे अंदर यूजफुल होता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और इसको स्टडी करने के लिए हम जो डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट एड्स यूज करते हैं, लाइक टैक्सोनॉमिकल एड्स कैन बी यूज्ड राइट. इसके अंदर बहुत सारी चीज होती है जो हम आगे देखेंगे कि हर्बेरिया क्या है, बॉटनिकल गार्डन्स क्या है, म्यूजियम्स क्या है, एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क्स क्या है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ, तो हमको ये याद रखना है कि जो लाइफ में मेटाबॉलिज्म राइट, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म काटना, बड़े मॉलिक्यूल्स जब छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, और जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म राइट. ग्रोथ का हमने देखा, ग्रोथ एक प्रॉपर वे में होता है, और जब ग्रोथ अच्छे वे में एक्चुअली हुआ राइट, जब ग्रोथ अच्छे वे में होता है तो डेवलपमेंट इज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ. व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज अ फाइनल सक्सेसिव रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ. फिर थर्ड पॉइंट के बारे में हमने देखा कि जो एक ऑर्गेनिज्म है राइट, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका एक अनलिमिटेड टाइम स्पैन नहीं, वो लाइफ टाइम ग्रो नहीं हो सकता, लाइफ टाइम डेवलप नहीं हो सकता है राइट. तो उसका एक स्पैन है, और जैसे उसका स्पैन खत्म होने आता है तो धीरे धीरे उसकी इफेक्टिवनेस छूटती जाती है और चीजें ओल्ड होते जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एजिंग प्रोसेस.
अंडरस्टूड. उसके बाद फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट येट अगेन इट्स नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग कर सके, राइट? बिकॉज हमको पता है जैसे म्यूल्स हो गए, बाद में स्टराइल वर्कर भी हो गया, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इवन हमारे जो ह्यूमंस कपल्स होते हैं, राइट, अगर कुछ ह्यूमन कपल है यहाँ पे, उन दे कांट हैव चाइल्ड, तो हम उनको ऐसे नहीं बोलेंगे यू आर नॉन लिविंग, यू आर नॉन लिविंग. अंडरस्टूड? सो यस, दिस आर द बेसिक एग्जाम्पल्स. रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, बट वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट डिस्टिंग्विशल फीचर नहीं है. फिर मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस हो गया, एजिंग हो गया, डेथ हो गया, और मैंने आपको ये बताया कि डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है. सो दिस वॉज अ इंट्रोडक्शन फॉर द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड. होप एवरी वन गॉट इट. सो यहाँ पे हमको क्या बोला गया कि हाउ कैन वी स्टडी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ ग्लांस. हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? सीधी बात है, वाय द क्लासिफिकेशन, राइट? वाय द क्लासिफिकेशन. जब हम क्लासिफाई करते तो हम क्या करते हैं, वी स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स विच फैमिली में वो बिलोंग करता है, उसकी टैक्सोनॉमी क्या है, कौन से जीनस में, कौन से स्पीशीज में, कौन से किंगडम में आता है, कौन से डिवीजन में आता है. तो हमने ये अपने लोअर स्टैंडर्ड में देखा है कि हम लोग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी कैसे कर सकते हैं, उनकी डाइवर्सिटी, उनकी सिमिलैरिटी, उनके रीजन, उनके हैबिटेट, हर एक चीज को देख के उनको प्रॉपर वे में क्लासिफाई करो कहाँ पे आते और फिर उसको स्टडी करो, तो बहुत ईजी हो जाता है. वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट? वेदर ऑल ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यस, हर एक ऑर्गेनिज्म अपना ओन फूड प्रिपेयर नहीं करता है, राइट? सिर्फ प्लांट्स करते और कुछ बैक्टीरिया करते अपना खाना खुद बनाते, बाकी लोग क्या है, दे आर डिपेंडेंट, राइट? प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब एक्वायरिंग न्यूट्रिशन. तो प्लांट्स हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड दैट्स व्हाई ओनली दे कैन प्रिपेयर द ओन फूड. विच फीचर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. मैंने ये चीज आपको बता दिया, इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ मतलब क्या, जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. जैसे हम बात कर दिया, हमने बोल दिया ग्रोथ रहेगा तो इंट्रेंसिक ग्रोथ रहेगा, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, एजिंग हो गया, बाद में फिर आपका आपके डेथ हो गया, ठीक है? मेटाबॉलिज्म, दिस आर द मेन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ. एंड वाई? बिकॉज दे ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी में नहीं होता है, राइट?